बाजार में आज विटामिन के नाम पर नीली हली काली कई प्रकार की गोलियां कई रंगों में उपलब्ध हैं। जैसे ही आपको कोई बीमारी महसूस होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको अन्य दवाइयों के साथ साथ कुछ विटामिन की गोलियां भी लिख देता है जिसे आप मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं और आपका शरीर फिर से निरोग हो जाता है और आपका शरीर फिर से पहले की तरह ऊर्जान्वित हो जाता है। लेकिन विटामिनों की खोज के पहले जीवन इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। फ्रेंड्स, विटामिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बगैर शरीर का जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन इसका निर्माण शरीर में स्वयं नहीं होता है। अलग अलग विटामिन हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना होता है जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें 6 प्रकार के वर्गों में बांटा है, यानी कि विटामिन कहने के लिए 6 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। ये हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 प्रकार हैं जिसमें विटामिन बी का तो पूरा एक समूह है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, विटामिन की खोज एक संयोग के ऊपर डिपेंड करती है। एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन एकमैन। उनका जन्म हुआ था 1858 में और मृत्यु हुई थी कब, 1930 में। एक बार उन्होंने अपने घर पे देखा कि कुछ मुर्गियां जिनको रेडीमेड चावल यानी कि छिला हुआ चावल दिया जाता है वो लगभग कुछ समय के बाद बीमार हो जाती हैं, जबकि वे मुर्गियां जिन्हें धान दिया जाता है यानी जो स्वयं से अपना छिलका उतार के धान का अपना भोजन ग्रहण करती हैं, वे उन मुर्गियों से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हैं जो मुर्गियां रेडीमेड भोजन को प्राप्त कर रही हैं यानी कि जिनको छिला हुआ भोजन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से एकमैन ने एक खोज की। उन्होंने कहा कि जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसके छिलके को जब आप पील ऑफ कर देते हैं, उसके छिलके को जब आप उतार देते हैं, तो कुछ न कुछ विटामिन जिसका नाम वो नहीं उन्होंने दिया था, नहीं उन्होंने कहा विटामिन, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। यानी कि जहाँ तक संभव हो हमें भोज्य पदार्थ को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। फ्रेंड्स, लेकिन आज के समय में छिलके के साथ भोजन करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। अगर आप छिलके के साथ किसी भोजन को ग्रहण करें तो निश्चित रूप से आप बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो है कीटाणु रोधक जो दवाएं होती हैं वो फसलों पर छिड़काव किया जाता है और वो अंत समय तक आपके थाली में आने से पहले छिलकों के ऊपर मौजूद रहती हैं। इसीलिए आज ये संभव नहीं है कि हम छिलका युक्त भोजन ग्रहण करें अगर वो घर पे नहीं उगाया गया है तो। उन्होंने देखा कि मुर्गियाँ जो कि धान स्वयं जो है कूट के खा रही हैं, मतलब छिल के खा रही हैं, वे उन मुर्गियों से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो भी पोषक पदार्थ छिलकों में होते हैं उन्हें हटा देने से शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और शरीर रोगी हो जाता है। फ्रेंड्स, बाई लक 1886 में एक मैन को एक प्रोजेक्ट मिला। इंडोनेशिया में उस समय एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन ये बीमारी बहुत तेज फैली हुई थी इसलिए इस बीमारी का नाम ही वहाँ पर रख दिया गया था बेरी बेरी, यानी कि बहुत बहुत, ठीक है। वहाँ पर खोज करने के दौरान जब एकमैन पहुँचे इंडोनेशिया तो उन्होंने वहाँ पर एक परीक्षण किया। उन्होंने कुछ भोज्य पदार्थों को अलग अलग ग्रुप में मरीजों के ऊपर ट्राई किया और देखा कि कुछ भोज्य पदार्थों का इन रोगियों पर बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है। तो उन्होंने डाइट के ऊपर डिपेंड कर दिया कि अगर फला डाइट दी जाए तो इस रोग से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके से देखिए, एक जो एक मैन थे उन्हें इतना तो पता नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो डीपली नहीं जानते थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस जो थे वो एक अच्छे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की और डिटेल में स्टडी करने के बाद उन्होंने इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और उन्होंने पता लगाया कि कौन कौन से रोग किन किन पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं। लेकिन जो हॉपकिंस थे इन्होंने भी विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने इसे सिर्फ सूक्ष्म पोषक तत्व ही कहा। 1911 में फंक नामक एक वैज्ञानिक ने इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का नाम दिया विटामिन और 1929 में, ठीक है, 1929 में एकमैन और हॉपकिंस को, इन दोनों को विटामिन की खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इस तरीके से आज वर्तमान समय में आपके सामने
ये विटामिन अपने मूल रूप में मौजूद हैं। हालांकि ये चीज़ें बहुत मतलब प्राचीन समय से हैं, लेकिन इनकी खोज जो है फाइनली 1929 के बाद हुई और इन्हें तब जाके चर्चा में ये चीज़ें आईं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विटामिन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर सिविल सर्विसेज की कोई भी परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो, ये सारे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बिना इनको देखे आप परीक्षा में मत बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, अगर ये सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब होगा कि विटामिन की खोज एफ जी हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसे विटामिन नाम दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने, और कब दिया था, 1911 में। ठीक है, तो विटामिन की खोज की थी एफ जी हॉपकिंस ने और नाम दिया था फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे नवाजा गया। तो विटामिन की खोज के लिए 1929 में क्रिश्चियन एकमैन और फ्रेडरिक हॉपकिन को संयुक्त रूप से विटामिन खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, अगर विलेयता के आधार पर विटामिनों को बांटा जाए तो विटामिन दो प्रकार से होते हैं, यानी कि इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है, वे विटामिन जो जल में विलेय हैं या वे विटामिन जो वसा में यानी कि फैट में विलेय हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं, यानी कि आपके शरीर में मौजूद जो जल होता है ये उसमें घुलित होकर घुलित अवस्था में आपके शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये पहुंच जाते हैं। अगला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील हैं विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये जो चार विटामिन होते हैं ये जो है वसा में यानी कि शरीर में जो फैट मौजूद होता है उसमें ये घुलनशील हैं। ठीक है, और अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन और उनके रासायनिक नाम, यानी किस विटामिन को किस रासायनिक नाम से, केमिकल नेम से पुकारा जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम होगा, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी सवालों में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से पुकारा जाता है, और विटामिन के को फ्लिवोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, फ्लिवोक्विनोन। तो ये सारे ही नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी का जो समूह है उसके भी अलग अलग नाम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को इस वीडियो में संकलित किया है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि कौन से विटामिन और उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके शरीर में। विटामिन ए की कमी से रतौधी हो जाती है, यानी कि दिन में भी कम दिखाई देता है और खासतौर से शाम के समय, और रात में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर ये कमी हो जाती है विटामिन ए की तो शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और जीरो प्लैथेलमिया नाम का एक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेरी रोग अगर न फैला होता तो एक मैन वहाँ पर न गए होते तो शायद विटामिन का जो मूल स्वरूप है वो अस्तित्व में नहीं आता, उसका नाम अस्तित्व में आता, उसकी खोज न हो पाती। विटामिन B2 इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं और व्यक्ति बुद्धिमंदता का शिकार हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से शरीर में दाद और चकत्ते उभरने लगते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता और त्वचा के रोग होने लगते हैं। विटामिन B7 जिसे बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, अगर ये कम हो जाता है तो शरीर में लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द होता है और बाल तेजी से उड़ने लगते हैं या गिरने लगते हैं। विटामिन B12 इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालमिन है। कई बार पूछा गया कि साइनोकोबालमिन नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो जवाब होगा विटामिन B12। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता या पांडुरोग यानी कि
पीलिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी होती है जब शरीर में, तो जनन तंत्र में कुछ रोग हो जाते हैं, यानी कि प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और सारा रक्त जो होता है वो बहने लगता है, मुश्किल से रक्त बहना बंद होता है। अब फ्रेंड्स, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। तो फ्रेंड्स, ये रहे विटामिन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, कृपया अपना फीडबैक हमें अवश्य देना। और पहली बार जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।